हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे सूटी मोल्ड डिजीज़ के बारे में और वाइट फ्लाई के बारे में। ये जो सामने आप लीफ के ऊपर देख रहे हैं, ये वाइट फ्लाइज हैं। इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से मेरे कैप्सिकम प्लांट पे अटैक कर दिया है। ये जो आप लीव्स की बैक साइड पे देख रहे हैं, ये जो वाइट फ्लाई है अब उनके एग्स हैं। और ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये इन्हीं की करामात है। जो ये वाइट फ्लाइज होती हैं, एक्चुअली ये क्या करती हैं कि जो वाइट फ्लाइज होती हैं, ये एक हनीड्यू सेक्रीशन करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो फंगस है उसके ऊपर रिजाइड करती है, मतलब उसके ऊपर बैठती है। तो जहाँ जहाँ पे वाइट फ्लाई की इन्फेस्टेशन होगी, अगर उसको हम टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ पे सूटी मोल्ड का अटैक हो जाएगा। तो वाइट फ्लाई आपके प्लांट में है, आप कैसे चेक कर सकते हैं? जब आप अपने प्लांट को ऐसे शेक करेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी सी वाइट फ्लाइज आपकी तरफ उड़ के आएंगी या प्लांट के ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि वो वाइट फ्लाई का अटैक है। मैंने आपको लीव्स के ऊपर भी दिखा दिया है कि ऊपर और नीचे देखने में कैसे लगती है। अब बात करते हैं सूटी मोल्ड के बारे में, या इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। एक्चुअली जो वाइट फ्लाई सिक्रीशन करती हैं हनी ड्यू, उसके ऊपर अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो फिर ये ब्लैक फंगस लगनी शुरू हो जाती है। मतलब पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कि पत्तों के ऊपर राख जमी हो, सूट की तरह लगते हैं। इसीलिए इस फंगस का नाम है सूटी फंगस। इसको जब हम रब करेंगे तो अभी आप मेरे थंब के ऊपर देखेंगे काला काला सा लीफ के ऊपर रब करने से हो रहा है। तो बहुत सारे इसके ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस भी होते हैं कि गर्म पानी से वॉश करना या विनेगर या नीम ऑयल वाइट फ्लाइज और इसके लिए। बट मैंने ये सब कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ, नीम ऑयल वगैरह और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और भी ट्राई किए हैं, तो कोई ख़ास इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ना ही वाइट फ्लाइज कम हो रही हैं और ना ही जो ये सूटी मोल्ड है या ब्लैक फंगस है वो भी कम नहीं हो रही। इनफैक्ट इसका अटैक डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ये ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ है। आप देखोगे कि 2 या 3 रातों में ये पूरी फंगस ऑलमोस्ट 70% प्लांट को ख़राब कर चुकी है। और अब अगर हम इस फंगस का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इस प्लांट पे जो फ्रूट्स लगेंगे या जो कैप्सिकम्स लगेंगी वो भी फंगस से अफेक्ट होंगी, और ब्लैक कलर के फ्रूट लगते हैं अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें फंगस की वजह से। तो इसका देखिए ट्रीटमेंट, जो ये ब्लैक मोल्ड है, सूटी मोल्ड है, इसका ट्रीटमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इसके रूट कोज को ख़त्म ना किया जाए। तो इसका रूट कोज है वाइट फ्लाइज। जब तक हमारे प्लांट से वाइट फ्लाइज या उनके एग्स नहीं जाएंगे, तब तक जो ये मोल्ड है या फंगस है ये भी नहीं जाएगी। ये मेरे सारे बाकी के प्लांट्स पे भी वाइट फ्लाइज ने हमला कर रखा है। इनफैक्ट पूरे गार्डन में ही हर एक प्लांट में मेरे वाइट फ्लाइज का बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। तो अब नीम ऑयल वगैरह इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि अटैक बहुत ही लास्ट स्केल पे है। तो अब प्लांट को इंटरनल ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा होम्योपैथी की वजह से। तो जिस वजह से इंटरनल ट्रीटमेंट देने की वजह से थ्रू रूट्स जो प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और जो वाइट फ्लाइज हैं वो अपने आप ही प्लांट को छोड़ के चली जाएंगी। ये आपको अनबिलीवेबल लगता होगा फैक्ट कि होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ों में डालने से फंगस कैसे ख़त्म हो जाती है या ब्लाइट कैसे ख़त्म हो जाती है। बट आप यकीन मानिए, एक बार आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर किसी प्लांट में रिक्वायर्ड है, आप होम्योपैथी ट्राई करके देखिए और आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे जड़ों में होम्योपैथिक मेडिसिन डालने से प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई और जितने भी पेस्ट थे या इंसेक्ट थे वो प्लांट को छोड़ के भाग गए। देखिए, अगर हम क्लोजअप में देखेंगे तो ये ऐसी दिखती है, इसके एग्स बैक साइड पे ये एग्स देती है, और जब हम प्लांट को शेक करते हैं तो ये झुंड में हमारी तरफ उड़ना शुरू कर देती हैं छोटी छोटी वाइट कलर की मक्खियाँ। और अब बात करते हैं कि इन दोनों का क्या ट्रीटमेंट है। तो इन दोनों बीमारियों में एक ही मेडिसिन यूज़ होगी। मेडिसिन की पिक्चर आपके सामने है, सोराइनम 200 पोटेंसी में आपने ये सोराइनम मेडिसिन लेनी है। और वैसे ही जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ कि 1 लीटर पानी में 2 ड्रॉप्स के हिसाब से मिक्स कीजिए और दिन में एक बार डेली 4 से 5 दिन तक अपनी प्लांट की सॉइल में दे दीजिए। तो ये सोराइनम मेडिसिन है,
इसको आप रूट्स, अगर आप अपने पूरे प्लांट्स में देना चाहते हैं तो आप वाटरिंग कैन ले लीजिए। जैसे सपोज़ आपका 5 लीटर का वाटरिंग कैन है तो उसमें 5 लीटर पानी डालिए और 1 लीटर में 2 ड्रॉप्स के हिसाब से 5 लीटर के कैन में 10 ड्रॉप्स मेडिसिन की डालिए। उसे किसी वुडन स्टिक से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर जो ये वाटर है सोराइनम वाला, ये थोड़ा थोड़ा प्लांट की रूट्स में दे दीजिए। अगर आपके यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप ये ट्रीटमेंट जो है अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, मतलब एक एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, और जो आप पानी गमले में डालेंगे उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं तो प्लांट की जो सॉइल है वो जल्दी से सूखती नहीं है और ओवर वाटरिंग से फंगल की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। देने के साथ आप इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। फोलियर स्प्रे के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा अपने वाटरिंग कैन में ऐड नहीं करना, बस जो भी आपका स्प्रे पंप है उसमें जो आपने ये लिक्विड तैयार किया है सोराइनम वाटर 2 ड्रॉप से 1 लीटर पानी को, उसको सिंपली ऐसे ही अपने लीव्स की अपर और लोअर साइड पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप चाहे तो जो जेट की स्पीड है वो हाई और लो अपनी नीड के हिसाब से रख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए और जो रूट्स हैं उसमें आप सोराइनम वाटर देते रहिए। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे तो जब इंटरनल ट्रीटमेंट प्लांट का होता है रूट के थ्रू तो फोलियर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, अपने आप ही जो लीव्स हैं वो फ्री हो जाते हैं सारे इंसेक्ट से। बट अगर आप चाहते हैं कि डबल प्रोटेक्शन हो या डबल इफ़ेक्टिवनेस हो तो आप दोनों कर सकते हैं। सोराइनम वाटर को आप रूट्स में भी दे सकते हैं और सेम सोराइनम वाटर आप पत्तों के ऊपर और नीचे भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप सोराइनम वाटर जो है वो सॉइल में दे सकते हैं और नीम ऑयल या कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फंजीसाइड आप लीव्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अकेला सोराइनम से ट्रीटमेंट कीजिए। आपकी मर्ज़ी है तो आप फोलियर स्प्रे भी कर दीजिए सोराइनम वाटर का, अदरवाइज जो हम रूट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो इससे क्या होगा कि देखिए जो तो लीव्स ख़राब हो चुके हैं वो अपने आप ही सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे और प्लांट उन्हें गिरा देगा, और जो नए लीव्स आएंगे उनमें कोई भी फंगस या वाइट फ्लाई की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आज मैंने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो अभी 4-5 दिन मैं लगातार इसका ट्रीटमेंट करूँगी, और 4-5 दिन तो क्या ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। आज थोड़ी सी धूप निकली थी तो जो प्लांट सॉइल थी वो ड्राई थी, तो मैंने सारे प्लांट्स में अच्छे से वाटरिंग कर दी। तो अब अगर कल प्लांट सॉइल सूखेगी तभी मैं दोबारा सोराइनम वाटर डालूंगी, नहीं तो फिर मैं 1 दिन वेट करूंगी या 2 दिन वेट करूंगी फिर सेकेंड डोज दूंगी, जैसे भी है वेदर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप 2-2 दिन छोड़ के भी थोड़ा थोड़ा पानी इसकी रूट्स में डालते हैं तब भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट की सॉइल जो है वो सूखनी चाहिए, क्योंकि दवाई डालने के चक्कर में अगर हम पानी में पॉट में ओवर वाटरिंग कर देंगे तो जो फंगस की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक होने की बजाय। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक इस ट्रीटमेंट के अपडेट के साथ। सफ़ेद मक्खी और सूटी मोल्ड, जो वाइट फ्लाई और सूटी मोल्ड या ब्लैक फंगस का होम्योपैथी से क्या रिज़ल्ट रहा ट्रीटमेंट का, अपडेट वीडियो मैं बनाऊँगी नेक्स्ट वीक। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, गुड इवनिंग।